नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश शर्मा जाफराबादी, आप देख रहे हैं रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम आपको रीपर बाइंडर और चारा काटने वाली मशीनों की वीडियो दिखा रहे हैं। जी हां दोस्तों, हमारे चैनल पर आप लगातार खेती किसानी और कामकाजी बाजार से जुड़ी वीडियो देख रहे हैं। जो साथी चैनल पर नए हैं उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और लिंक दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों आज हम आपको गुजरात की ग्रीनलैंड कंपनी है और नामी ग्रामी इस कंपनी के रीपर बाइंडर है और चारा काटने की मशीनें हैं। तो जो रीपर बाइंडर ट्रैक्टर में लगता है वह भी हम आपको दिखाएंगे, ट्रैक्टर में आगे लगने वाला रीपर बाइंडर और ट्रैक्टर में पीछे लगने वाला रीपर बाइंडर के साथ साथ अलग से इंजन के साथ रीपर बाइंडर। गेहूं की फसल काटने के लिए किसान भाइयों को जरूरत होती है। जो किसान भाई अपना काम काज करना चाहते हैं और व्यवसाय करना चाहते हैं वो इन मशीनों को खरीद करके अच्छा व्यवसाय कर सकते हैं। साथ में चारा काटने वाली भी मशीनें हम आपको दिखा रहे हैं। दोस्तों कैसे मशीनें करती हैं काम और क्या है इनका दाम और कैसे घर बैठे इनको आप ऑर्डर कर सकते हैं और कैसे इनकी पूरी जांच पड़ताल और रेट का पता लगा करके आप खरीद सकते हैं। दोस्तों आइए देखें पूरा वीडियो। किसान भाइयों, आपने रीपर बाइंडर तो बहुत देखे होंगे और चलाए भी होंगे, लेकिन आज हम आपको एक नामी ग्रामी कंपनी के रीपर बाइंडर दिखा रहे हैं। जी हां दोस्तों, ग्रीनलैंड रीपर बाइंडर भारत की पहली रीपर बाइंडर कंपनी है। 2004 से रीपर बाइंडर बना रही है। गुजरात के जामनगर जिले में थ्रोल शहर की कंपनी है, जो किसानों को बेहतर सर्विस, स्पेयर पार्ट्स और मशीन उपलब्ध कराने का दावा करती है। आज हम इसी कंपनी के रीपर बाइंडर आपको दिखा रहे हैं। वीडियो में जो यह रीपर बाइंडर देख रहे हैं वह ट्रैक्टर में आगे लगने वाला रीपर बाइंडर है और इस रीपर बाइंडर की चौड़ाई 7 फुट तक होती है। यह कंपनी 4.5 फीट से 7 फीट चौड़ाई वाले रीपर बाइंडर बनाती है, जिन्हें आप ट्रैक्टर में आगे भी लगा सकते हैं और ट्रैक्टर में पीछे भी लगा सकते हैं। अभी आप आगे वाला रीपर बाइंडर देख रहे थे, अब ट्रैक्टर में यह पीछे लगने वाला रीपर बाइंडर देख रहे हैं। कुछ रीपर बाइंडर की स्पीड काफ़ी कम होती है, तेज गति से काम नहीं कर पाते, लेकिन ये जो रीपर बाइंडर आप देख रहे हैं काफ़ी तेज गति से काम कर रहे हैं, इसलिए 1 घंटे में बहुत अधिक खेत की कटाई कर सकते हैं। 1 घंटे में 1 लीटर तेल की खपत से यह रीपर बाइंडर जो आप देख रहे हैं 1 एकड़ गेहूँ की फसल की कटाई कर सकता है। यह इंजन वाला 4 व्हील रीपर बाइंडर है, आप इसको देख रहे हैं। इसमें 1 लीटर तेल में 1 एकड़ खेत की कटाई 1 घंटे में हो सकती है। इसमें जो सुतली लगती है वो प्लास्टिक की लगती है। दोस्तों प्लास्टिक की सुतली मजबूत होने के कारण बार बार टूटती नहीं है। प्लास्टिक की रस्सी से पुले की खिंचाई भी मजबूती से हो जाती है और जब थ्रेसिंग करते हैं तो उसकी नोक को आसानी से एक झटके में खोल करके थ्रेसर के अंदर पुले को दिया जा सकता है। इससे मशीन बार बार रुकती नहीं है। सुतली की जो रस्सी होती है बार बार कट जाती है और बीच में मशीन को रोकना पड़ता है और ज़्यादा खेत की कटाई नहीं हो पाती है, इसलिए रीपर बाइंडर में प्लास्टिक की सुतली ही कामयाब है। वह टूटती भी नहीं है और मशीन को रोकना नहीं पड़ता, इस कारण मशीन से अधिक खेत की कटाई आसानी से हो जाती है बिना मशीन को रोके। कुछ लोगों का कहना होता यह है कि सुतली प्लास्टिक की थ्रेसिंग में फंस जाती है, लेकिन जब थ्रेसिंग करते हैं तो आसानी से पुले को थ्रेसर के मुंह पर रखकर झटके से सुतली खोलकर अलग फेंक दी जाती है। अन्य कंपनी के जो आपने रीपर बाइंडर 4 व्हील इंजन वाले देखे होंगे उनकी स्पीड काफ़ी कम होती है, हमने भी पहले एक वीडियो दिखाई थी। इस रीपर बाइंडर जो 4 व्हील वाला है इसकी जो चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा से होती है और काफ़ी तेज से ये सड़कों पर चल सकता है। इसके अलावा आप देख ही रहे हैं खेत में भी इसकी स्पीड अधिक होती है, मशीन को बार बार रोकना नहीं पड़ता, इस कारण इसका तेल का एवरेज भी अच्छा आता है और कटाई का भी एवरेज अच्छा आता है और मशीन ये पूरी तरह से सफल है। 4 व्हील वाला जो इंजन है इस पर आप फसलों की कटाई भी कर सकते हैं, जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का आदि की कटाई बखूबी कर सकते हैं और इस पर काफ़ी चौड़ा यह रीपर लगा हुआ है। इसी इंजन पर आप रीपर बाइंडर भी फिट कर सकते हैं। एक ही इंजन से आप चारे की भी कटाई कर सकते हैं और फसलों की कटाई और बधाई का, खास तौर से गेहूँ की कटाई और बधाई यानी रीपिंग और बाइंडिंग का काम कर सकते हैं। दोस्तों यह ग्रीनलैंड गुजरात की कंपनी है और देश भर में इसके डीलर हैं। आपको यह मशीन चाहिए तो डिलीवरी और सर्विस डीलर के माध्यम से होगी, लेकिन कंपनी अपने ग्राहकों को पूरी जानकारी देती है, तसल्ली करती है और ग्राहकों तक मशीन को पहुंचाने और उसकी सर्विस का भी पूरा भरोसा दिलाती है। दोस्तों हमने पहले भी कई कंपनियों के रीपर बाइंडर देखे हैं, लेकिन इस कंपनी के रीपर बाइंडर और 4 व्हील इंजन वाली रीपर बाइंडर काफ़ी अच्छी कंडीशन के हैं और बेहतर
ढंग से तेज गति के साथ खेतों में काम कर सकते हैं, जिससे किसानों का एवरेज निकल जाता है और कम तेल में ज्यादा फसल की कटाई बहुत आसानी से हो जाती है। किसान भाइयों के लिए एक खुशखबरी की बात यह है कि भारत सरकार द्वारा इस कंपनी के रीपर बाइंडर और फोर व्हील रीपर बाइंडर 50% सब्सिडी के लिए मान्यता प्राप्त है। यदि आप आगामी फसलों की कटाई के लिए अपना प्लान बना रहे हैं रीपर बाइंडर, तो इस कंपनी से संपर्क कर सकते हैं। आगे हम स्क्रीन पर नंबर दे रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप अपने क्षेत्र के डीलर और उस मशीन की कीमत के बारे में पूरी जानकारी कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम पूरी जानकारी दे रहे हैं, मशीन का अता पता और मशीन की कंपनी के नंबर दिए जा रहे हैं। भाइयों, कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि कीमत मशीन की क्षेत्र के हिसाब से कमती ज़्यादा होती रहती है। जो क्षेत्र आपके नज़दीक का है, आपका डीलर का पता इस कंपनी से आपको लग जाएगा और किस कीमत पर आपको होम डिलीवरी मिल सकती है, किस तरह सर्विस मिल सकती है, कंपनी यह पूरी जानकारी आपको देगी। तसल्ली से दोस्तों पूरा वीडियो देखें और लगातार हमारे साथ बने रहें। आप देख रहे थे रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल सतीश शर्मा जाफराबादी के साथ। खेती किसानी और हर आम से लेकर खास व्यक्ति से जुड़े कामकाजी बाजार की पड़ताल देखते रहें रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल पर लगातार। नमस्कार।